इस मूवी में उस पूरी की पूरी शोषण की व्यवस्था का कहें कि उसको नंगा कर दिया है, उसको एकदम उसके एकदम उसकी नंगाई को उजागर कर दिया कि कैसे भारत में जाति व्यवस्था काम करती है। तो वो पूरा सीन है जिसमें तथागत बुद्ध की मूर्ति का सिर काटा जा रहा है, और वो सिर काटने का मतलब इतिहास में आपको एक तरीके की सच्चाई देखने को मिलती है, क्योंकि हम सब ने देखा कि इतिहास में कैसे तथागत बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारी सभ्यता को मिटाने की कोशिश हुई, हमारा इतिहास मिटाने की कोशिश हुई, और वहाँ पर तथागत बुद्ध का सिर काट के किसी और देवी देवता के नाम का सिर लगा दिया और उसको मूर्ति बना लिया। कंगलान मूवी में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है कि ज़मीन की लड़ाई, वो ज़मीन पाने के लिए कैसे राजा के साथ नेगोशिएट करते हैं, और वो तंगलान के दादा, उसमें बाकायदा ये डायलॉग है मूवी में कि हमारी ज़मीन को छीन के आपने कैसे चंद जातियों को सौंप दिया, ये डायलॉग है। वो बताते हैं कि हमारी ज़मीन को कैसे आपने कब्जा कर लिया, और वो कहता है कि बदले में मुझे क्या चाहिए, वो बोलता है मेरे को ज़मीन चाहिए, कि जैसे दलितों के वंचितों के हिस्से की ज़मीन छीन ली गई, वो ज़मींदारों को दे दिया। तंगलान जब अपनी फसल तैयार करता है तो उसकी फसल को रात में जला देते हैं और अगले दिन उनके पूरे परिवार को गुलाम बना लेते हैं कि आपने कर नहीं दिया, लगान नहीं दिया तो आप गुलामी करोगे। और तंगलान बाद में जब अंग्रेज़ों के साथ मिलकर वो काम करता है तो वो बंदूक लेके ज़मींदार के सीने पे तान के कहता है कि तुमने मेरी ज़मीन छीनी, ये लो अपना पैसा और मेरी ज़मीन मुझे वापस दो। तो ज़मीन के लिए जो दलितों का संघर्ष है वो इस मूवी में देखने को मिलता है कि दलित अपने स्वाभिमान के साथ में कैसे संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिए, किसी दलित के पास अपनी कोई सिनेमा की चेन नहीं है कि उसके जैसे PVR जैसा कोई सिनेमा हो, उसके मल्टीप्लेक्स में ऐसा नहीं है, उनके पास अपने मीडिया नहीं है, तो इसका प्रचार प्रसार नॉर्थ इंडिया में उस तरह से नहीं हुआ, और ये जातिवादी मानसिकता है कि स्क्रीन नहीं दे रहे। कुछ दिनों पहले आई ब्लॉकबस्टर मूवी तंगलान, जो साउथ में ब्लॉकबस्टर हिट रही, लेकिन जो उसके साथ सबसे बड़ा मसला है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस मूवी को जिसने बनाया है, जो डायरेक्टर हैं पारंजिता, उन्होंने साउथ की बड़े बड़े हिट मूवी दी है, मद्रास, काला जैसी फेवरेट मूवियों को इन्होंने डायरेक्ट किया है। इनकी मूवी कभी भी 1000 करोड़ से नीचे का बिजनेस नहीं करती है, इस मूवी ने भी 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है। लेकिन जिस तरह से हम हिंदी प्रदेशों में देखते हैं, जहाँ पे एक तरह से मोटा माटे हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है, RSS का कब्जा एक तरह से है, उन स्टेटों में इस मूवी को स्क्रीन नहीं मिल रहा है। 90% सिनेमा हॉलों में इसको स्क्रीन नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो एक स्क्रीन दो स्क्रीन। इसको लेकर के हम बात करेंगे हमारे साथ बहुजनों की मुखर एक आवाज़ सुमित चौहान जी हैं, जो न्यूज़ भी करके चैनल भी चलाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके, सभी दर्शकों को जय भीम। क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर के, जिस तरह से इस भेदभाव अलग किया जा रहा है, जिस तरह से इस मूवी में थोड़ा समय बता दिखाया गया है कि एक वर्ग मेहनत करता है, फिर तीसरा वर्ग आता है, उस वर्गों में फूट डाल देता है, जिस तरह से इस समय एक रिजर्वेशन था, तीसरा वर्ग आया, उसमें फूट डाल दिया, इस तरह से मूवी दिखाई गई है, क्या कहना? देखिए, बहुत ही खूबसूरत मूवी है और बहुत ही ज़रूरी है। सिनेमा दरअसल समाज का आईना होता है, साहित्य में अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा साहित्य समाज का आईना है और समाज को दिखाता है कि समाज कैसा है। और जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुई, धारावाहिक बनना शुरू हुए, तो उसी मनुवादी मानसिकता के लोगों ने अपने सीरियल बनाए, वो तमाम तरीके की महाभारत, रामायण और तमाम तरीके के सीरियल बनाए, वैसे उन्होंने फिल्में बनाई। लेकिन अब हमारी पीढ़ी जो कि अंबेडकरवादी दृष्टिकोण रखती है, जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखती है और जो जाति की व्यथा को झेलती है, वो लोग जब अपनी कहानी बताते हैं तो वो कहानी ऑथेंटिक होती है, वो कहानी दिलचस्प होती है और वो कहानी सच्ची होती है। तो पार रंजीत हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने बहुत शानदार काम किया और उनका क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि काला जैसे उन्होंने 1000 करोड़ उन्होंने मूवी ने कमाया, और अब वो तंगलान मूवी जब लेकर आए तो उसके जब टीज़र आए थे, जब उसके ट्रेलर आए थे, तो तभी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ये किस तरह की होने वाली है, क्योंकि KGF जो है, कोलार गोल्ड फील्ड जो है, सोने की खदानें वहाँ पर हैं और उसको लेके बहुत सारी कहानियाँ हैं। KGF फिल्म ही बनी, आपने सब जानते होंगे, तो वो एक अलग दृष्टिकोण की फिल्म है, लेकिन उसमें जैसे भारत के मूल निवासियों ने अपनी मेहनत करी है उस सोने को खोजने में, उस सोने की सुरक्षा करने में और उस सोने को निकालने में, और उसके साथ साथ जाति का दंश झेला जिसमें जातिवाद का शिकार हुए, उनकी ज़मीनें जो हैं वो छीन ली गई, तो इस मूवी में उस पूरी की पूरी शोषण की व्यवस्था का कहें कि उसको नंगा कर दिया है, उसको एकदम उसकी नंगाई को उजागर कर दिया कि कैसे भारत में जाति व्यवस्था काम करती है। जैसे आपको मैं बताऊं कि इस मूवी में
जो ब्राह्मण जाति के व्यक्ति हैं उसमें एक सीन है जिसमें जो मुख्य नायक है तंगलान, उसके वो दादा की कहानी बताते हैं कि हमारे दादा कैसे सोना नदी से ढूंढते थे और फिर उन्होंने सोने की खोज की, और जो राजा आया जब उसने कहा कि ये सोना मुझे चाहिए तो उसने उसके साथ में युद्ध किया, और फिर वो जब नहीं हारे तो उनके अपने साथ मिला के उन्होंने कहा कि इस सोने को हमको दे दो। वो पूरा एक चरित्र को दिखाता है, और वहाँ पर जो ब्राह्मण कैरेक्टर है वो कहता है कि तथागत बुद्ध की मूर्ति जब वहाँ पर होती है तो वो कहता है कि ये जो मुनि है ना, इस मुनि की वजह से हमको सोना नहीं मिल पा रहा है, तो इसको मुनि को आपको इसकी इसका सिर काट दो। तो वो पूरा सीन है जिसमें तथागत बुद्ध की मूर्ति का सिर काटा जा रहा है, और वो सिर काटने का मतलब इतिहास में आपको एक तरीके की सच्चाई देखने को मिलती है, क्योंकि हम सब ने देखा कि इतिहास में कैसे तथागत बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारी सभ्यता को मिटाने की कोशिश हुई, हमारा इतिहास मिटाने की कोशिश हुई, और वहाँ पर तथागत बुद्ध का सिर काट के किसी और देवी देवता के नाम का सिर लगा दिया और उसको मूर्ति बना लिया। आज भी भारत के बहुत सारे मंदिरों में आप देखेंगे तथागत बुद्ध की मूर्ति को किसी देवी देवता के रूप में उसको पूजा जा रहा है। तो वो पूरा एक दिखाता है कि कैसे ब्राह्मणवादी लोगों ने तथागत बुद्ध को, उनके किरदार को, उनके सर को काटने का जो एक 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 उन्होंने उसको मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया है वो उसमें दिखाता है। और फिर उस पूरी जब कड़ी में आप आगे बढ़ते हैं उसको देखते हैं तो तंगलान का बेटा है जिसका नाम अशोका है, और अशोका पानी में छलांग लगाता है जब वो अंग्रेज़ों के साथ में सोने की खोज करने के लिए जाते हैं, कुएं में वो छलांग लगाता है, वहाँ पर एक मुंडी मिलती है, वो उसको निकालते हैं तो वो पता चलता है वो तथागत बुद्ध का सिर है। तो ये दिखाता है कि कैसे तथागत बुद्ध को ज़मीन में गाड़ दिया, पानी में गाड़ दिया, उनको मिटा दिया, और फिर सम्राट अशोक जो वो मुंडी बाहर निकाल के लाए हैं और फिर वो उससे धड़ के साथ में, मूर्ति के धड़ के साथ में उसको जोड़ते हैं। तो ये कितना खूबसूरती से दिखाया कि सम्राट अशोक, हालांकि उसमें किरदार उनका बेटा है जिसका नाम अशोका है, लेकिन वो दिखाता है कि सम्राट अशोक ने कैसे 84,000 स्तूप बनाए, धम्म का प्रचार किया, भारत को अफगानिस्तान की सीमाओं से लेके और बांग्लादेश, अभी के जो देश हैं पाकिस्तान, सब जगह उन्होंने अपने साम्राज्य को पहुँचाया और धम्म का प्रचार किया। तो ये छोटे छोटे सीन हैं जिनके बहुत व्यापक मायने हैं और बहुत गहराई से ये बताता है। ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं है बल्कि भारत के मूल निवासियों का इतिहास है। तो सवाल अभी भी वही है कि जिस तरह से आपने सम्राट अशोका का नाम लिया, बुद्ध भवन का नाम लिया, जिस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध भवन का भारत और नेपाल से यात्रा शुरू होता है और उत्तर प्रदेश के भारत में ही, उत्तर भारत में ही कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। सम्राट अशोक भी पटना बिहार से आते हैं, उत्तर भारत से। तो मेरा सवाल यही है कि उत्तर भारत का जो हिंदी बेल्ट है, साउथ में तो उस फिल्म को बहुत स्क्रीनिंग मिल रही है, ऐसे सब्जेक्ट को लोग पसंद भी कर रहे हैं, KGF हो गया, तंगलान हो गया, लेकिन जो एक तरह से इंट्रो में जैसे मैंने बताया कि कब्जा है एक विशेष ग्रुप का, उस एरिया में इस मूवी को सक्सेस नहीं मिल रही है, सिनेमा हॉलों में नहीं दिखाया जा रहा है, दशरथ को नहीं दिखाया गया, तो इसको मतलब कैसे देखिए भारत में, भारत एक जाति प्रधान देश है, लोग बोलते हैं ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत एक जाति प्रधान देश है जहाँ लोगों की रगों में जातिवाद दौड़ता है, उनके सोचने के नज़रिए में, उनके व्यवहार में, वो किस हिसाब से आपसे बात करेंगे ये उनकी जाति तय करती है। वो फलां जाति के होंगे तो वो घमंड करेंगे अपनी जाति पर, और ये लोग क्योंकि इनका संसाधनों पर कब्ज़ा है। तंगलान मूवी में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है कि ज़मीन की लड़ाई, वो ज़मीन पाने के लिए कैसे राजा के साथ नेगोशिएट करते हैं, और वो तंगलान के दादा, उसमें बाकायदा ये डायलॉग है मूवी में कि हमारी ज़मीन को छीन के आपने कैसे चंद जातियों को सौंप दिया, ये डायलॉग है। वो बताते हैं कि हमारी ज़मीन को कैसे आपने कब्ज़ा कर लिया, और वो कहता है कि बदले में मुझे क्या चाहिए, वो बोलता है मेरे को ज़मीन चाहिए, मैं आपको सोना लाकर दूंगा लेकिन आप मुझे ज़मीन दो, क्योंकि ज़मीन के साथ में आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो, स्वाभिमान के साथ रह सकते हो और आपकी सामाजिक आर्थिक हैसियत उससे तय होती है। बहुत इंटरेस्टिंगली इसमें दिखाया गया है, आज के परिवेश में देख रहे हैं कि कोई तीसरा आके में लड़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत खूबसूरती से मूवी में पोर्ट्रे किया गया। सोने का मुख्य किरदार है कि सोने के ऊपर मूवी है KGF फील्ड पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी सोने के साथ साथ ज़मीन पर है कि जैसे दलितों के, वंचितों के हिस्से की ज़मीन छीन ली गई, वो ज़मींदारों को दे दिया, तंगलान जब अपनी फसल तैयार करता है तो उसकी फसल को रात में जला देते हैं और अगले दिन उनके पूरे परिवार को गुलाम बना लेते हैं कि आपने कर नहीं दिया, लगान नहीं दिया तो आप गुलामी करोगे। और तंगलान बाद में जब अंग्रेज़ों के साथ मिलकर वो काम करता है तो वो बंदूक लेके ज़मींदार के सीने पे तान के कहता है कि तुमने मेरी ज़मीन छीनी, ये लो अपना पैसा और मेरी ज़मीन मुझे वापस दो। तो ज़मीन के लिए जो दलितों का संघर्ष है वो इस मूवी में देखने को मिलता है कि दलित अपने स्वाभिमान के साथ में कैसे संघर्ष कर रहे हैं अपने बुनियादी संसाधनों के लिए। और आज आप इसको जब नॉर्थ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो आपका सवाल है,
कि चूंकि ज़मीन पर उनका कब्जा है, मूवी थिएटर्स उन लोगों के हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास अपनी मीडिया है, हर कोई व्यक्ति जो भी सवर्ण जाति का है, ये चंद जातियों के लोग हैं, वो तमाम इन संसाधनों को कब्जे करते हैं। अब देखिए, किसी दलित के पास आपने कोई सिनेमा की चेन नहीं है कि उसकी जैसे PVR जैसा कोई सिनेमा हो, उसके मल्टीप्लेक्स हो, ऐसा नहीं है। उनके पास अपनी मीडिया नहीं है, तो इसका प्रचार प्रसार नॉर्थ इंडिया में उस तरह से नहीं हुआ। और ये जातिवादी मानसिकता है कि स्क्रीन नहीं दे रहे। मैंने खुद ये नोएडा में मूवी देखी, और नोएडा में सिर्फ इसका दो ही सिनेमा घरों में, जबकि नोएडा में बहुत सारे सिनेमा हैं, वहाँ पर सिर्फ दो सिनेमा घरों में रात के 10 बजे का एक शो मुझे मिला, सिर्फ एक शो, बाकी पे नहीं है। तो इतनी खूबसूरत मूवी जिसने साउथ में बहुत ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, जो हिट साबित हुई है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये दलितों के वंचितों का इतिहास बता के और वो उस तरह से दिखाया जा रहा है, ये एक प्रॉपर सुपरहिट मूवी है जिसमें एक्शन है, जिसमें थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस है, जिसमें स्ट्रगल है, जिसमें हिस्ट्री है। आप विजुअल देखिए, इतना ग्रैंड लेवल पे विजुअलाइजेशन हुआ है, और पारंजीत अपने डायरेक्शन के लिए बहुत मशहूर है, इतना शानदार डायरेक्शन करते हैं, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस मूवी को बनाया है। और ये मुझे लगता है कि उन लोगों का जातिवादी चरित्र है जो नहीं चाहते कि पारंजीत जैसा जो दलित जाति से आने वाला डायरेक्टर है वो कामयाब हो। हालांकि वो उनके भरोसे नहीं है, वो सुपरहिट आदमी है, वो 1000 करोड़ की मूवी बनाते हैं और वो बहुत सुपरहिट आदमी है, कमर्शियली हिट आदमी है, तो आप उनको अगर स्क्रीन नहीं दोगे तब भी वो ऐसा नहीं कि वो बर्बाद हो जाएंगे। जो पारंजीता है, थोड़ा सा उनके बारे में बता दें कि ये जो सरपट्टा जैसी 1000 करोड़ की मूवी बिजनेस की थी, और ये पारंजीता एक ऐसे आदमी है, जब बहुजन समाज पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में, जब उनकी हत्या हुई थी तो जमीनों पर उतर के इन्होंने संघर्ष किया था। ऐसे लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया जाता है, जो बहुजन समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक टैलेंट की कमी नहीं है, उसको निखारने की ज़रूरत है। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि इसको कैसे उत्तर भारत में, साउथ में तो बुद्ध भगवान गए भी नहीं थे, उत्तर भारत में ही रहे, उसके बावजूद उत्तर भारत से ये चीज़ें समाप्त हुई, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो इसको कैसे फिर से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, इसको कैसे बहुजन समाज ला सकता है? देखिए, दक्षिण भारत में जब मूल निवासी सिद्धांत को आप देखते हैं, तो मूल निवासी थ्योरी कहती है कि आर्यन आए, उनके साथ युद्ध हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे जो मूल निवासी लोग थे, लड़ते लड़ते विंध्याचल पर्वत के पार चले गए, और चूंकि आगे समंदर था उसको वो क्रॉस नहीं कर पाए, तो वो दक्षिण में ही जाके बस गए। उत्तर भारत पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कब्जा किया, तो आप ज़्यादातर आप मामले देखेंगे, एट्रोसिटी के मामले हों, जातीय उत्पीड़न के मामले हों, भेदभाव के मामले हों, अनटचेबिलिटी के मामले हों, घोड़ी से उतारने के मामले हों, इस तरह के मामले आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपैरेटिव टू साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, वहाँ पर जो तमाम जो नेता हुए हैं, और चूँकि वहाँ का जातीय समीकरण ऐसा है कि जो OBC हैं, दलित लोग हैं, वो बहुसंख्यक लोग हैं, और मनवादी लोगों की जातियाँ वहाँ पर कम संख्या में है, तो वहाँ की सामाजिक समीकरण भी ऐसे हैं। और नॉर्थ इंडिया में आप देखिए कि जिसको हिंदी पट्टी कहा जाता है, बेसिकली कि हिंदी पट्टी है, गाय गोबर गणेश, ये फॉर्मूला लगाया जाता है कि ये उसकी ज़मीन है, मुझे लगता है इनको अभी साउथ इंडिया के लोगों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आप तमिलनाडु में देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले पे कितना अच्छा है, वहाँ पर महिलाओं की शिक्षा दर कितनी अच्छी है, रोज़गार में उनकी हिस्सेदारी कितनी अच्छी है, तो दक्षिण के राज्यों से नॉर्थ इंडिया को सीखना चाहिए। हमारे नॉर्थ इंडिया में चूँकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और तमाम तीर्थ मठ इधर बने हुए हैं, आर्यन माइंडसेट है, लोगों का व्यवहार जातिवादी है, तो ये इनके व्यवहार में झलकता है, और हमारे लोगों के साथ तमाम तरह की जातियाँ भी ये लोग करते हैं, इनको दक्षिण भारत से सीखना चाहिए। और तथागत बुद्ध भले ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में नहीं गए हों, लेकिन वो पूरी दुनिया में चले गए, तो उनको आपने सोचा था कि वो ज़मीन में दफना देंगे, लेकिन हमारा इतिहास जो है वो ज़मीन फाड़ के बाहर आया, और तथागत बुद्ध आज देखिए दुनिया के कितने देशों में वो धम्म उनका राष्ट्रीय धर्म है, और वो कितने बड़े पैमाने पर उनका किरदार है। तो तथागत बुद्ध को ये लोग अब इन्होंने मजबूरी में तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया ना, इनका प्रभाव हमारे हमें ढकना दे। उनको आपने उनकी मूर्तियां तोड़ दी, उनके सिर काट दिए, उनकी मूर्तियों को देवी देवताओं की मूर्ति बना दिया, तथागत बुद्ध के सारे तमाम शास्त्र जो थे, जो किताबें थी, वो सब जला दिया आपने, उनको नष्ट कर दिया, बुद्ध तो फिर भी नहीं मिटे। अच्छा, सर ने एक बात बोला कि मैं थोड़ा सा वर्तमान परिवेश से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि आज के जो बहुजन समाज है, ST ST OBC जो आपस में लड़ रहे, इसको देखे, इन्होंने बोला कि जो जंगल जमीन जल में बंटवारा नहीं हुआ, इसकी आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद भी संसद में उठाते रहते हैं, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सर से एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक वीडियो मैंने आपका देखा था जिसमें आप भीमा कोरेगांव 1818 1st January 1818
को लेकर के चर्चा कर रहे थे और बहुत बेसब्री से इसका इंतजार है, बहुत सारे लोगों ने टिकट खरीदा, इसकी कोई अपडेट है क्या? हाँ, भीमा कोरेगांव मूवी, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, मेरी पिछले साल उनके जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई थी और वो उन्होंने कहा था कि इस साल नवंबर तक फिल्म को रिलीज़ करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है और ये बहुत ही निराश करने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने लोगों से मूवी को सपोर्ट करने की बात कही थी और जब हमने उनके इंटरव्यू किए तो उन्होंने बोला था कि हम जल्दी इस मूवी को लेके आएंगे, बड़े पैमाने पर मूवी बना रहे हैं। उस समय कोरोना था तो कोरोना का क्योंकि एक एक्सक्यूज़ था कि कोरोना है, शूट नहीं हो पा रहा, शूटिंग नहीं हो रही, लेकिन अब तो सब मूवियाँ बन रही हैं, थिएटर में रिलीज़ हो रही हैं और समाज से उन्होंने टिकट भी बेचा, उसका पैसा भी लिया और बाद में उन्होंने कंपनी के शेयर्स भी बेचे, उसमें भी हुआ। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल मामला है, उनको सामने आके बताना चाहिए कि क्या वजह है कि उनकी मूवी जो है वो शूट नहीं हो पा रही है, फाइनेंस की कमी है, तो वो समाज के सामने आके बता सकते हैं कि भाई मेरे को पैसे की दिक्कत है और ये मूवी मैं नहीं बना पा रहा, इतनी बची हुई है, तो समाज मदद करेगा। अगर कोई और दिक्कत है कि लोग उनको शूट नहीं करने दे रहे या उनकी जो एक्टर हैं उन्होंने मूवी छोड़ दी है, तो उसके बारे में उनको अपडेट देना चाहिए। मैं मतलब उनसे निराश हूं कि वो ऐसा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जिसने उनको सपोर्ट किया वो थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इससे क्या होता है कि भरोसा थोड़ा कमज़ोर होता है कि अब हमारे समाज का कोई आदमी कोई आके नया काम करे तो लोग उसको समर्थन देते हैं कि यार ये काम करेंगे, और वो थोड़ा काम ना कर पाए तो मुझे लगता है आके बताइए समाज को कि मैं नहीं कर पाया और मैंने कोशिश की, समाज आपको समझेगा और आपकी तारीफ करेगा कि एटलीस्ट आपने कोशिश की। लेकिन अगर आप उसको बीच में छोड़ देंगे तो लोग बोलेंगे यार फला आदमी आया था ये काम करने के लिए और देखो वो नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा इसमें कहीं कि कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हुई है, उनको सामने आना चाहिए और रमेश थेटे जो इसके डायरेक्टर हैं उनको आके सामने बोलना चाहिए, बताना चाहिए और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो आप समाज को बताइए तो सही, हो सकता है समाज आपकी मदद करे। चलिए, तो यह थे हमारे साथ न्यूज वीके स्मिथ सर, आपने इनकी बातें सुनी। थंगलान को मैं एक बार फिर बोलूँगा कि जाकर के आप लोग सिनेमाघरों में देखें, बहुत शानदार मूवी है, ऐतिहासिक मूवी है और उसमें जो एक्टर हैं और जो डायरेक्टर हैं उनकी एक छवि दर्शाती है कि इसमें टैलेंट की कमी नहीं है। बाकी बहरहाल जो भी चीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।